नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सक्सेस बजा पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हमने हमारी पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे, जो हमारा चैप्टर नंबर 2.2 है उनके फर्स्ट क्वेश्चन में हमने चार पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए आज हम उसके जो फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट बचे हुए हैं वो और उसका अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड आज इस क्लास में हम उनको कम्प्लीट करते हैं। देखो जो पाँचवा पार्ट है हमारे चैप्टर नंबर 2.2 का वो क्या है, द्विघात समीकरण है t²-15। हमें क्या करना है, हमें निकालने इनके शून्यांक और उनकी सत्यता की जांच। सबसे पहले देखो शून्यांक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है t²-15। सिर्फ इसके अंदर दो ही पद है और दो पद होते हैं तो हमारा पहला जो काम होता है वो होता है कॉमन लेने का। तो कॉमन तो यहाँ पे हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में जो चर राशि है, चर राशि कौन सी वाली है, टी, और यहाँ पर हमें टी का मान निकालना। देखो कैसे निकालेंगे, टी स्क्वायर और ये जो माइनस का 15 है इसको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। अब ये जो स्क्वायर है इसको यदि हटाते हैं, टी स्क्वायर है इसको यहां से हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, वर्ग, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, वर्गमूल। अब देखो वर्गमूल के बाहर अगर कोई भी संख्या को हम बाहर लेते हैं तो उसके प्लस माइनस लगता, तो ये जो 15 है इसका पूर्ण वर्ग नहीं होता, पूर्ण वर्गमूल ये संख्या नहीं है। तो यहाँ पे जो t के जो मान प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, प्लस माइनस रूट 15। कहने का मतलब t का मान एक तो प्लस का रूट 15 और दूसरा t का मान माइनस का रूट 15। अब हमें क्या करनी है, अब हमें जांच करनी है सत्यता की जांच। तो सबसे पहले देखो पहली वाली जो जांच होती है शून्यांकों का योगफल, और शून्यांकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो अल्फा का मान प्लस रूट 15 हो जाएगा और बीटा का मान माइनस रूट 15 हो जाएगा, बराबर में माइनस बी का मान कितना, बी का मान यहां पे नहीं है, क्या होगा, जीरो। ए का मान कितना, एक, ये दोनों कैंसिल, जीरो बराबर में जीरो, ठीक है। उसके बाद में देखो शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा ए। अल्फा का मान रूट 15 प्लस का बीटा का मान माइनस का रूट 15, बराबर में सी का मान कितना, माइनस का 15 और ए का मान कितना, एक। रूट 15 को रूट 15 से गुणा करेंगे क्या आएगा, एक आएगा, सॉरी 15 आएगा, प्लस माइनस गुणा होकर माइनस, और माइनस 15 में एक का मान करेंगे तो माइनस का 15। ये था हमारा इसका फोर्थ पार्ट। अब देखिए सॉरी इसका पांचवा पार्ट था, अब देखिए छठा पार्ट। चौथे पार्ट में हमें क्या दिया कि 3x² - x और माइनस का 4, इसके शून्यांक हमें ज्ञात करने। तो इनके शून्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बाह्य पदों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और बाह्य पदों को गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, माइनस का 12x², और इसके जो फैक्टर है इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे, 4 × 3, 6 × 2 और 1 × 12, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर। हमें क्या करना, हमें जोड़ने पर या घटाने पर मध्य पद माइनस का 1x प्राप्त होना चाहिए, माइनस का 1x, और माइनस का 1 सिर्फ इसी वाले फैक्टर से आ सकता भाई, इन दोनों से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, 6 और 2 को जोड़ते हैं तो 8 और 6 में से 2 घटाते हैं तो 4, नहीं आया, कैंसिल। 12 और 1 13 और 12 में से घटाते हैं 11, कैंसिल। अब हमें कौन से वाले टुकड़े लेने, 4 और 3, लेकिन कौन से वाले 4 को हम प्लस का ले या माइनस का ले, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, इस मध्य पद के ऊपर। देखो यहां से 4 स्थितियां बनती है, प्लस का 4 प्लस का 3 बराबर प्लस का 7, माइनस का 4 माइनस का 3 बराबर माइनस का 7, प्लस का 4 माइनस का 3 बराबर प्लस का 1, माइनस का 4 प्लस का 3 बराबर माइनस का 1। हमें कौन सा वाला चाहिए, हमें माइनस का 1, कौन सी वाली लेनी पड़ेगी, नीचे वाली, ये वाली जो कंडीशन है ये हमें लेनी है। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, 3x² - 4x + 3x और माइनस का 4, ठीक है भाई, ये इसके टुकड़े हो गए। अब हमें क्या करना, अब हमें दो दो का पेयर बना के कॉमन देखना है, तो इनमें कॉमन क्या आएगा, इनमें कॉमन हो जाएगा एक्स, अंदर क्या बचेगा, 3x - 4, आगे वाले में कॉमन क्या आएगा, प्लस का 1, क्योंकि कुछ भी संख्या कॉमन नहीं है और कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हमें कॉमन 1 लेना होता है। तो 3x - 4 सेम संख्या आएगी, अब ब्रैकेट वाली दोनों संख्याएं सेम है, कॉमन ले लो, 3x - 4 यहाँ पे क्या बचा, x, और आगे क्या बचा, प्लस का 1, दोनों को 0 के बराबर रख दो। यहां से देखो 3x - 4 बराबर 0, यहां से x प्लस 1 बराबर 0, 3x = 4 और x बराबर हो जाएगा 4/3, और यहां से x का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ये हमारे पास दो शून्यांक हो गए अल्फा और बीटा का मान। अब
सत्यता की जांच से शून्य अंकों का योग फल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए। अल्फा का मान हो गया हमारे पास 4/3 और बीटा का मान कितना होगा माइनस का एक। माइनस बी का मान यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का एक और माइनस माइनस है प्लस और ए का मान कितना हो जाएगा तीन। यहाँ से देखो इसका एलसीएम लेते हैं तो तीन तीन का भाग तीन में करेंगे एक और एक को चार से गुणा करेंगे चार। एक का भाग तीन में करेंगे तीन और तीन को तीन से गुणा करेंगे तीन एक बटा तीन। चार में से तीन माइनस किया एक एक बटा तीन और यहाँ से भी क्या आएगा एक बटा तीन। तो ये क्या हो गई दोनों की जाँच हो गई। अब एक जांच और भी बच गई शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अल्फा का मान हमारे पास 4/3 और बीटा का मान कितना माइनस का ए। सी का मान कितना माइनस का चार ए का मान कितना तीन। 4/3 को माइनस एक से गुणा करेंगे तो माइनस का 4/3 और ये 4/3 ठीक है ये दोनों बराबर हो गए। इसी के साथ हमारा जो पहला क्वेश्चन है 2.2 का वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें शून्यांकों का योग दिया है और शून्यांकों का गुणनफल दिया और ज्ञात क्या करना ज्ञात हमें करना है द्विघात समीकरण। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। तो क्वेश्चन नंबर दो के अंदर हमें दो चीजें दी है शून्यांकों का योग किससे लिख दिया अल्फा प्लस बीटा से और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इन दोनों का मान दिया। तो पहले क्वेश्चन के अंदर देखो 1/4 शून्यांकों का योगफल है और शून्यांकों का गुणनफल कितना है माइनस का एक है। कितना भाई माइनस का एक है। ज्ञात क्या करना द्विघात समीकरण। तो इसके लिए देखो एक सूत्र होता है क्या सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र होता है कब जब हमें शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया गया हो। तो ये शून्यांकों का योगफल ये शून्यांकों का गुणनफल है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमें कितना दिया 1/4 दिया और इंटू में क्या एक्स है और प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया माइनस का एक है। तो ये माइनस का एक बराबर में जीरो। देखो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा इसके नीचे एक बार थोड़ा सा और सरल कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 और ऊपर क्या है एक्स है और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का एक बराबर जीरो। अब देखो ये बट्टे में चार है तो इसको यदि हम हटाते हैं तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा लघुतम लेना पड़ेगा। कितना आएगा लघुतम आएगा चार। एक का भाग चार में करेंगे चार और चार को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे चार एक्स स्क्वायर ठीक है भाई। माइनस चार का भाग चार में करेंगे एक और एक को एक से गुणा करेंगे एक एक्स। एक का भाग चार में करेंगे चार और चार को एक से गुणा करेंगे तो चार बराबर में जीरो। अब इसके नीचे एक मान लो तिरछा गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन पूरी संख्या को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा सेम यही आएगी कि चार एक्स स्क्वायर माइनस का एक एक्स और माइनस का चार ठीक है। अब चार को जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो। ये क्या हो गया हमारा द्विघात समीकरण हो गया। तो देखो शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल यदि हमें देखकर द्विघात समीकरण पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर पुट होगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या शून्यांकों का योगफल और इंटू में क्या आएगा एक्स और प्लस में क्या आएगा शून्यांकों का गुणनफल और इसके अंदर हमें मान रखने और डायरेक्ट हमें सरल करने में ठीक है। उसके बाद में देखो इसका सेकंड पार्ट सेकेंड पार्ट के अंदर देखो हमें शून्यांकों का योग कितना दिया शून्यांकों का योग दिया रूट दो और शून्यांकों का गुणनफल प्लस 1/3 प्लस 1/3। ये हमारे पास क्या सूत्र है मान रख दो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल कितना रूट दो है और इंटू में क्या एक्स शून्यांकों का गुणनफल कितना 1/3 है बराबर में जीरो। या तो इसको देखो लघुतम ले लो जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया या डायरेक्ट देखो इसके नीचे तीन है तो इस तीन को क्या करेंगे इन दोनों के साथ गुणा कर दो और यहाँ से तीन को हटा दो। क्यों ये तीन क्यों हटेगा क्योंकि तिरछा गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखो कितना आएगा 3x² - 3√2x और प्लस का 1 बराबर 0। ये हमारा क्या होगा द्विघात समीकरण। इसके जो बट्टे में 3 है ये हमने एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा कर दिया और इस 3 को √2x के साथ में गुणा कर दिया। इसके साथ में गुणा क्यों नहीं किया क्योंकि इसके नीचे तो 3 है तो इसके साथ में हमें 3 से गुणा नहीं करना और इस ये जो 3 जो बचेगा इसको तिरछा गुणा करके बराबर में ले जाएंगे और बराबर में क्या 0 है और 0 से 3 गुणा होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया द्विघात समीकरण हो गया। अब देखिए इसका अगला पार्ट इसका जो तीसरा पार्ट है तीसरे पार्ट में हमें क्या दिया है शून्यांकों का योग दिया 0 और शून्यांकों का गुणनफल दिया √5। देखो मान रख दो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग है 0 तो 0 गुणा में क्या आएगा एक्स और शून्यांकों का गुणनफल कितना √5 बराबर में क्या 0। क्या हो गया
एक्स स्क्वायर ये तो पूरा जीरो हो गया, आगे क्या बच गया रूट पांच और बराबर में जीरो, ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट। अब देखो इसका चौथा पार्ट, चौथे पार्ट के अंदर हमें क्या दिया है, हमें दिया है एक कोमा एक, चौथे पार्ट के अंदर शून्यांकों का योग भी एक और शून्यांकों का गुणनफल भी एक। तो मान रख तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग एक है, इंटू में एक्स है और शून्यांकों का गुणनफल भी एक है, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का एक बराबर जीरो, ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण कौन से का, चौथे पार्ट का। अब देखो इसका पांचवा पार्ट, पांचवे पार्ट के अंदर हमें शून्यांकों का योगफल कितना दिया, शून्यांकों का योगफल दिया माइनस का एक बट्टा चार और शून्यांकों का गुणनफल प्लस का एक बट्टा चार, कौन से वाले में, पांचवे पार्ट में। देखो अब एक्स स्क्वायर माइनस एक बट्टा चार, देखो इसका मान किस में है, माइनस में, और एक माइनस यहां पर है, क्या हो जाएगा प्लस इंटू में एक्स और अल्फा इंटू बिट्टा का मान एक बट्टा चार बराबर में जीरो। अब इस एक के नीचे भी चार और इस अक्ष के नीचे भी चार, लेकिन इसके बट्टे में चार नहीं, तो इस चार को हम किससे गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर से, तो चार एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा एक एक्स और प्लस में यहाँ पे क्या आएगा एक और जो बट्टे में चार है ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा जीरो, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो इसका अंतिम पार्ट है चार कोमा एक, शून्यांकों का योग पर कितना चार है और गुणनफल कितना एक है, शून्यांकों का योग चार और गुणनफल एक, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बिट्टा का मान चार, एक्स और अल्फा इंटू बिट्टा का मान एक बराबर में जीरो, ये इसका आंसर हो गया। तो इसी के साथ आज की प्रश्नावली कंप्लीट होती है, अगले वीडियो में 2.3 की क्लास हम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।